नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें, जो लेकर एक बार फिर से हाजिर है। पहली खबर खेसारी लाल से जुड़ी है, क्योंकि खेसारी लाल के एक गाने का जादू खूब छाया हुआ है। इस गाने के बोल हैं, ठीक है सुनने में आया है, पवन सिंह ने भी अपने स्टेज शो में खेसारी का ये गाना गाया है, ठीक है। अगली खबर पवन सिंह से जुड़ी है, पवन सिंह की आवाज़ में लोग सुनना चाहते हैं लॉलीपॉप लागेलू पार्ट टू। इसका पहला पार्ट स्टेज शो में, बनारस के स्टेज शो में पवन ने गाया, उसके बाद लोगों को पवन की आवाज़ में ही इस गाने का दूसरा पार्ट सुनने की बड़ी इच्छा है। कुछ वैसा ही धमाकेदार वर्ल्ड फेमस गाना जो 10 साल पहले पवन ने गाया था। वैसे तो इस गाने के दूसरे पार्ट पता नहीं कितने सिंगर लेकर आ चुके हैं, लेकिन उसका नाम पता नहीं है जितना पवन सिंह का ये 10 साल पुराना गाना कामगार साबित हुआ और जितना फेमस हुआ। वैसा ही गाना फिर पवन की आवाज़ में दर्शक सुनना चाहते हैं। अगली खबर अनंजय रघुराज से जुड़ी है, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेहंदी लगा के रखना फिल्म बनाई है। उनसे दर्शकों का कहना है कि मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 बनाइए खेसारी लाल के साथ, हम देखना चाहते हैं। अगली खबर रितेश पांडे से जुड़ी है, रितेश पांडे का गाना पीर पीरितिया के सैड सॉन्ग रिलीज हुआ अक्षरा के गाने के साथ, और 10 लाख से ज़्यादा लोग इस गाने को देख चुके हैं। फिलहाल अक्षरा के साथ इनके रोमांटिक तस्वीरें लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। ये राजा राजकुमार और मजनुआ के सेट से जुड़ी हैं। तो जल्दी से अभी तक जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना ठीक है इस कदर वायरल हो रहा है जो किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन भाई खेसारी का ये गाना वायरल तो हो गया है, और उस हर म्यूजिकल ऐप के जरिए इस गाने पर कई लोग अपनी एक्टिंग दिखा करके खुद भी खेसारी लाल यादव बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव का गाना ठीक है पर म्यूजिकल ऐप के जरिए गांव के शादीशुदा जोड़े ने अपनी वीडियो शेयर की है। जी हाँ, जिस वीडियो को देखकर शायद खेसारी लाल यादव भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ खेसारी के ठीक है गाने के वजह से ये जोड़ी सोशल मीडिया पर फेमस हो रही है। इसी के साथ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव के शानदार गाने का जादू सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि स्टार्स के भी सर चढ़ के बोल रहा है। इसी क्रम में आम्रपाली दुबे हो या फिर काजल राघवानी, हर कोई इस गाने पर म्यूजिकल ऐप के जरिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस समय पर कूली नंबर 1 की शूटिंग कर रहे हैं, और आज के समय में हर तरफ खेसारी के उसी फिल्म की चर्चा हो रही है। और इसका कारण ये भी है कि खेसारी लाल यादव से पहले बॉलीवुड के दो बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी ने भी कूली के नाम से दो फिल्में बनाई हैं। लेकिन बॉलीवुड में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े हीरो को इस नाम से फिल्म बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ भोजपुरी के खेसारी लाल यादव को ये मौका मिल गया। लेकिन लाल बाबू पंडित ने इसे साफ तौर पर नकार दिया है, कहा है कि मैं कहानी कॉपी करके फिल्में बनाने में विश्वास नहीं करता, मेरी फिल्म मनमोहन देसाई की कूली और डेविड धवन की कूली नंबर 1 से बिल्कुल हटकर है। वैसे भी फिल्म की शूटिंग देखकर इस बात का अंदाजा तो हो ही गया है कि लाल बाबू पंडित एक बार फिर से अपनी पिछली फिल्मों की तरह धमाका करने वाले हैं। बता दें फिल्म में खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, पूजा गांगुली, संजय पांड्या, देव सिंह, अनुप अरोड़ा, किरण यादव, महेश आचार्य, सीपी भट्ट, मनोज सिंह, बलराम पांड्या, बिना पांडे जैसे दिग्गज कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक ना जाने कितनी फिल्में बनी होंगी, लेकिन उन फिल्मों में से लोगों के जहन में और विश्व के चर्चाओं में सिर्फ कुछ ही ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनके सीक्वल भी लोग पसंद करते हैं। भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर अनंजय रघुराज ने कुछ समय पहले ही दो फिल्म बनाई, पारिवारिक फिल्म, हालांकि ये प्रेम कहानी थी लेकिन पूरे परिवार को ये फिल्म बहुत पसंद आई और जिस जिसने इस फिल्म को देखा वो रोया जरूर। इस फिल्म का नाम था मेहंदी लगा के रखना। लोगों के इसी पसंद को देखते हुए इसका सीक्वल भी बनाया गया, जिसमें खेसारी लाल को ना लेने पर दर्शकों का खूब सारा गुस्सा निकला। लेकिन अब सुनने में आया है, हो सकता है अनंजय रघुराज इसका तीसरा पार्ट भी बनाएं और इसके तीसरे पार्ट में दर्शकों की डिमांड पर फिर से खेसारी लाल यादव को ही लेकर आए। फिलहाल अनंजय रघुराज ने दो फिल्में निरहुआ के साथ साइन की है, पटना से पाकिस्तान 2 और वंदे मातरम।
लेकिन अगर दर्शकों के डिमांड में ऐसे ही खेसारी छाए रहे और मेहंदी लगा के रखना 3 लोग देखना चाहते हैं तो अनंजय रघुराज उस फिल्म को जरूर बनाएंगे। तो आप ही बताइए, क्या आप देखना चाहते हैं मेहंदी लगा के रखना 3, वो भी खेसारी लाल यादव के साथ? अगर हाँ तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप किस हीरो को देखना चाहेंगे मेहंदी लगा के रखना 3 में, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। तीन से चार साल पुराना पवन सिंह का एक गीत है जिसने पवन सिंह को वर्ल्ड फेमस कर दिया। इस गाने के बोल हैं लॉलीपॉप लागेलू, जो आज भी किसी पार्टी में आसानी से सुनने को मिल सकता है। जिस गाने पर भोजपुरी वाचे ही नहीं बल्कि हिंदी सिने प्रेमी भी झूम उठते हैं। आप समझ चुके होंगे हम लॉलीपॉप लागेलू की ही बात कर रहे हैं। पवन सिंह की आवाज़ में गाए हुए गाने लॉलीपॉप लागेलू को वेब म्यूजिक से 4 साल पहले रिलीज किया गया था, जिसे अभी तक 75 मिलियन लोगों ने सुना है। विदेशों तक ये गाना फैल गया। 4 साल पहले पवन सिंह के इस गीत को लिखा था जाहिद अख्तर ने और म्यूजिक दिया था विनय विनायक ने। पवन सिंह के बाद इस गाने को ना जाने कितने सारे लोगों ने गाया, लेकिन वो मजा किसी गाने में नहीं आया जो पवन के पहले गाने में था। इसलिए खुशखबरी है कि जहां दर्शकों की तरफ से इस गाने पार्ट 2 की डिमांड है, तो वहीं पवन के करीबी सूत्रों की माने तो शायद पवन सिंह इस गाने पर विचार विमर्श कर कई बार कह चुके हैं कि वो इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, लेकिन कब ये नहीं पता। तो आप ही बोल दीजिए, शायद मान जाए कि आप लोग पवन की आवाज़ में इस भोजपुरी के ऐतिहासिक गाने का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ मिलकर इस समय पर काजल राघवानी रांची में फिल्म कूली नंबर 1 की शूटिंग में बिजी है। और जहां कल तक आप लोगों ने देखा कि खेसारी और काजल एक साथ कुछ तस्वीरें उनकी सामने आई थी जिसमें वो गाने की शूटिंग करते नजर आए थे, तो वहीं इस फिल्म के सेट से आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई है, जिस वीडियो में काजल राघवानी गुंडों के बीच फंसी हुई नजर आ रही है और वो खुद को गुंडों से बचाती हुई दिखाई। लेकिन उस वीडियो में देखा जाए तो काजल राघवानी के पास खेसारी लाल यादव नजर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ काजल ही अकेले गुंडों से लड़ती हुई और खुद को बचाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये काजल राघवानी गुंडों के साथ जो घिरी हुई दिखाई दे रही है वो सिर्फ रील में है, ना कि रियल में। और शूटिंग के दौरान इस जगह पर खेसारी लाल यादव का शॉट नहीं है, जिसकी वजह से खेसारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे पा रहे। तीन से चार साल पुराना पवन सिंह का एक गीत है जिसने पवन सिंह को वर्ल्ड फेमस कर दिया। इस गाने के बोल हैं लॉलीपॉप लागेलू, जो आज भी किसी पार्टी में आसानी से सुनने को मिल सकता है। जिस गाने पर भोजपुरी वाचे ही नहीं बल्कि हिंदी सिने प्रेमी भी झूम उठते हैं। आप समझ चुके होंगे हम लॉलीपॉप लागेलू की ही बात कर रहे हैं। पवन सिंह की आवाज़ में गाए हुए गाने लॉलीपॉप लागेलू को वेब म्यूजिक से 4 साल पहले रिलीज किया गया था, जिसे अभी तक 75 मिलियन लोगों ने सुना है। विदेशों तक ये गाना फैल गया। 4 साल पहले पवन सिंह के इस गीत को लिखा था जाहिद अख्तर ने और म्यूजिक दिया था विनय विनायक ने। पवन सिंह के बाद इस गाने को ना जाने कितने सारे लोगों ने गाया, लेकिन वो मजा किसी गाने में नहीं आया जो पवन के पहले गाने में था। इसलिए खुशखबरी है कि जहां दर्शकों की तरफ से इस गाने पार्ट 2 की डिमांड है, तो वहीं पवन के करीबी सूत्रों की माने तो शायद पवन सिंह इस गाने पर विचार विमर्श कर कई बार कह चुके हैं कि वो इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, लेकिन कब ये नहीं पता। तो आप ही बोल दीजिए, शायद मान जाए कि आप लोग पवन की आवाज़ में इस भोजपुरी के ऐतिहासिक गाने का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। भोजपुरी सिनेमा के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर अरविंद अकेला कल्लू ने आज अपने इंस्टा पर एक तस्वीर शेयर की, जिस तस्वीर में कल्लू बाइक पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं इससे पहले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म कूली नंबर 1 के शूटिंग के दौरान उनकी बाइक की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद अब उन दोनों हीरो के साथ एक साथ बाइक पर आते हुए और उन्हें स्टंट करते हुए देखकर हर किसी को ऐसा लग रहा है कि कल्लू अब खेसारी लाल यादव के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। जबकि कल्लू को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बेहद पसंद है, यहाँ तक कि कल्लू उन्हें अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। लेकिन ऐसे में कल्लू और खेसारी को लेकर के ऐसी खबरें आ रही हैं। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे, कल्लू को भोजपुरी का सबसे छोटा स्टार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कल्लू का मानना है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं उन सभी लोगों से
कल्लू खुद को बहुत कुछ सिखाते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। तो आज के भोजपुरी हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और सितारों से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।